हेलो फ्रेंड्स, इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव सीन जूल साइकल्स और ब्रेटन साइकल्स व्हिच इज यूज्ड फॉर एयर रेटिंग सिस्टम। टुडे वी विल सी डिफरेंट मेथड्स ऑफ एयर रेटिंग सिस्टम। सो दीज आर दी साइकल व्हिच वी आर गोइंग टू सी इन नेक्स्ट लेक्चर। सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम, सिंपल एयर यूटिलिटी कूलिंग सिस्टम, बूटस्ट्रैप एयर कूलिंग, बूटस्ट्रैप एयर इवैपोरेटिव, रिड्यूस्ड एम्बिएंट एयर एंड रीजनरेटिव कूलिंग सिस्टम। आउट ऑफ दिस टुडे वी विल सी सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम। सो दीज आर द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम। सो इट कंसिस्ट ऑफ वन मेन कंप्रेसर, गैस टर्बाइन, कंबशन चेंबर, हीट एक्सचेंजर। Generally, the simple air cooling system is used to cool the space inside the aircraft or airplane. So what happen here? Atmospheric air comes inside. So first of all, ramming of that air is take place. Ramming air or ramming air is means it is works on a principle in which airflow created by moving object to increase its ambient pressure. Okay, so ambient air ka pressure badhaya jata hai because of motion of aircraft. Uski wajah se uska pressure badhta hai aur us pressurized air ko ram air kehte hain. Jyada nahi badhta hai uska pressure. Aur importance of this ram air is generally this ram air increases the engine power. Okay, if you supply ambient air and if you supply ram air, then ram air will produce more power than ambient air. Okay, so what is ram air? Because of movement of object or airplane, ambient air ka pressure badh jata hai, us badhe hue pressure ke air ko ram air kehte hain. Okay, so what happen here? Ram air goes to the main compressor, or before going for main compressor, some of the ram air is extracted here for cooling purpose. Wo baad mein dekhenge. So ram air main compressor mein jati hai. Main compressor mein because of compression, temperature and pressure of ram air increases. Now this pressurized or high pressure, high temperature air goes to the combustion chamber, but whole air is not sent to the combustion chamber. Some of it extracted here. Okay, so bachi hui air jo pressurized or high pressure, high temperature air combustion chamber mein jayegi, wahan par fuel supply hoga, combustion hoga. और ये गैस टर्बाइन कंबशन के बाद एक गैस टर्बाइन बनेंगे, वहां पर वो एक्सपांड होंगे और पावर जनरेट होगी। ये जो पावर है ये एयरक्राफ्ट के लिए यूज होती है, एयरक्राफ्ट चलाने के लिए। ओके, सो हमारा काम इधर है। सो जब रैम एयर प्रेशराइज रैम एयर हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो हीट एक्सचेंजर में क्या होता है, ये जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रैम एयर है वो अपनी हीट इस रैम एयर को जो प्रेशराइज होने से पहले इसका टेम्परेचर कम था या एम्बिएंट टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा था, उसको अपनी हीट दे देगी और ये कंप्रेस्ड एयर कूल हो जाएगी। कूल कंप्रेस्ड एयर अब कूलिंग टर्बाइन में जाएगी, वहां पर वो एक्सपांड होगी, एक्सपांड होने के बाद उसका टेम्परेचर भी कम होगा और ये जो कूल एयर है वो केबिन में या एयरप्लेन में रेफ्रिजरेटेड पर्पज के लिए सेंड की जाएगी। और जो इंक्रीज टेम्परेचर वाली रैम एयर जिसने इसकी हीट ली है वो कूलिंग टर्बाइन कूलिंग फैन को करके एटमोसफेयर में चली जाएगी। ओके, सो बेसिकली वी आर अचीविंग कूलिंग इफेक्ट हियर बाय यूजिंग दिस रैम एयर एंड कंप्रेस्ड एयर। अंडरस्टूड, दैट इज वेरी सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम। और ये उसका पीवीटीएस डायग्राम है। 1-2 शोज रैमिंग एक्शन, मतलब ये एटमॉस्फेरिक एयर है और ड्यू टू मूवमेंट ऑफ एयरक्राफ्ट उसका प्रेशर थोड़ा सा बढ़ता है जब वो एयरक्राफ्ट के अंदर जाती है, P2 होता है, P2 तक। अगर ये आइसेंट्रोपिक है तो सीधी लाइन रहेगी, लेकिन जनरली ड्यू टू फ्रिक्शन या आइसेंट्रोपिक नहीं रह जाता है और ये 1-2 रैमिंग होगी जो एक्चुअल रैम प्रोसेस से थोड़ा उसका प्रेशर कम रहेगा। अब ये आफ्टर रैम रैमिंग मेन कंप्रेशन के लिए भेज दिया जाता है। In main compressor 2-3, this compression should be asymptotic, but again due to friction this compression is not maintained asymptotic. So due to friction this compression take place 2-3. Okay, now 3-4 happen in heat exchanger. पहले ramming होती है 1-2, 2-3 compression, और ये 3-4
ये जो यहाँ पर ये 3 पॉइंट पकड़ो और ये 4 पॉइंट पकड़ो, ये यहाँ पर हीट रिजेक्ट होती है 3 to 4, 4 to 5 कूलिंग टर्बाइन में होता है यहाँ पर, और आफ्टर अगेन दिस इज नॉट आइसन, दिस शुड बी आइसन ट्रॉपिक, लेकिन फ्रिक्शन रहा तो 4 से 5 डैश होगा, और 5 डैश से जो एयर है वो आप कूलिंग पर्पज के लिए एयर केबिन में या एयरप्लेन में यूज हो सकते हैं, तो 5-6 यहाँ पर हमें रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट मिलेगा। ठीक है, 1 to 2 रैमिंग या 1 to 2 डैश एक्चुअल रैमिंग, 2-3 आइसेंट्रॉपिक कंप्रेशन और 2-3 एक्चुअल कंप्रेशन, 3-4 हीट रिमूव इन हीट एक्सचेंजर, 4-5 एक्सपांशन इन कूलिंग टर्बाइन, अभी 5 डैश के बाद एयर कूलिंग पर्पज के लिए एयर प्लेन में जा सकती है। ओके, ये अगर हम एनर्जी बैलेंस करें तो H2-H1 V² इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ जेट और वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट। सो इसको अगर हमने सिंप्लीफाई किया तो मिलेगा T2/T1=1V² / 2000 CP/T1। ओके, तो इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे आपको बता दो, ये रैमिंग है, ये वे डायग्राम है, 1 to 2 रैमिंग, कंप्रेशन, हीट रिमूवल, एक्सपांशन और ये रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। अब देखो यार तक तो हम आ गए थे, अब ये सीपी को हमने CP-CP² मालूम है, ये हमने टीटीएम बहुत पार्ट पढ़ा है, तो सीपी को हम γ(R)γ-1 लिख सकते हैं, यहाँ पर पुट किया हमने वो, तो हमें अब ये आर अगर किलो जूल में तो 1000 पुट किया होता तो ये किलो जूल में हो गया, तो अब ये क्या हो गया, V² γ-1/2γ(R)T1। नाउ वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, γ(R)T1 इट इज नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द मीडियम, जिसका आर है वो मीडियम, मतलब γ(R)T1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन दैट मीडियम, अब ये आर एयर का है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन दैट एयर। ठीक, सो इसको हम लिख सकते हैं V² या γ(R)T1 को लिख सकते A², ये मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड। ठीक, और एंड स्क्वायर रूट γ(R)T1 को हम वेलोसिटी ऑफ साउंड लिख सकते हैं, तो ये हो गया V² / A². V² मतलब वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट, दिस इज वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो वेलोसिटी V/A इज नथिंग बट मैक नंबर, हमने एफएम में पढ़ा है, तो V² / A² को हम m² लिख सकते हैं, m² मतलब मैक नंबर, ये हम क्यों निकाल रहे हैं, हमें T2 या T2 निकालना है उसके लिए। ठीक, उसके बाद कंप्रेशन में कितना ये रहेगा, 2-3 कंप्रेशन हो रहा है, तो m into Cp into T3-T2, यमें मतलब क्या है, जो कंप्रेस्ड की हुई एयर में से हमने रेफ्रिजरेटिंग और कूलिंग पर्पज के लिए जितनी एयर हमने निकाली है यहाँ पर, यहाँ से हमने जितनी एयर ब्लेंड की है या जितनी एयर हमने एक्सट्रैक्ट की है, इट इज नथिंग बट यमें। ठीक, ये इतना वर्क लगेगा कंप्रेशन को, कूलिंग प्रोसेस मतलब जो टर्बाइन इसमें हो रहा है कूलिंग टर्बाइन में, जो हीट रिमूव कर रहे हो, m into Cp T3-T4। यहाँ पर हम इसकी हीट रिमूव कर रहे हैं, इसे पुल हो रहा है, और एक्सपांशन में और पुल होके T4-T5, या PS डायग्राम साइड में रख के पढ़ लो, आपको मालूम हो जाएगा 4-5 यहाँ पर हमें और वहाँ पर हमें टर्बाइन का वर्क मिलेगा या और कुल होगी, और रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट मिल रहा है हमें T5 से T6, मतलब T6-T5 MACP। दिस इज द रेफ्रिजरेटिंग वर्क, अब इसका स्लोप हम निकाल सकते हैं, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क डन, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट और वर्क डन हमें ऊपर निकल रहा है, सो दिस कैन बी रिटन एज CO2 ऑफ द साइकिल। ओके, और टर्न्स ऑफ रेफ्रिजरेशन निकलना है तो 210 × Q, ये MACP अपन मतलब इसको 210 से डिवाइड कर दो, आपको टर्न्स ऑफ रेफ्रिजरेशन मिल जाएगा, ये पावर भी मिल जाएगी, पावर के लिए आपको सिंपली उसको मास ऑफ एयर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 60 से डिवाइड कर दो, किलोवाट में मिल जाएगा। ये तो बेसिक चीज है, सो फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, आज हमने क्या पढ़ा, सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम
मेन कंप्रेसर जो रैम मतलब ड्यू टू मूवमेंट ऑफ एयरक्राफ्ट जो भी एयर अंदर आएगी उसका कुछ ना कुछ प्रेशर बढ़ेगा, वो बड़े प्रेशर के हम रैम एयर कहेंगे। रैम एयर कंप्रेसर में जाएगी, वहां पर कंप्रेस होगी, कुछ उसका पार्ट हम निकालेंगे, बाकी का पावर जनरेशन के लिए आगे जाएगा। निकालने में पार्ट का टेम्परेचर हम यहाँ पर कम कर रहे हैं, उसकी हीट निकाल के उसकी हीट रैम एयर ले लेगी, ठीक है। और अब ये फुल प्रेशराइज्ड कंप्रेसर कूलिंग टर्बाइन पे जाएगी, वहां पर एक्सपांड होगी, उसका टेम्परेचर कम होगा, प्रेशर भी कम होगा। अब ये एयरप्लेन में केबिन में जाके कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है। और ये उसकी पीएल डायग्राम, 1:2 रैमिंग या 1:2 एक्चुअल रैमिंग, 2:3 कंप्रेशन, 2:3 एक्चुअल कंप्रेशन, 3:4 कूलिंग और हीट रिमूवल इन हीट एक्सचेंजर, 4:5 और 4:5 एक्सपांशन इन कूलिंग टर्बाइन, और 5:6 वो अपने कूलिंग केबिन में जाके अपना लोड ले सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर दी सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम। बाद में कल हम और एक दो साइकिल देखेंगे, अगर आपको डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।